Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों कहते हैं बॉलीवुड में शादियां टिकती नहीं हैं, लेकिन बॉलीवुड में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्यार तो नौजवानों से किया लेकिन शादी के बंधन में उनसे बंधे जो कि पहले ही तलाकशुदा थे। इस इंडस्ट्री में सितारों के बीच अफेयर, ब्रेकअप, शादी और तलाक की खबरें बेहद आम हो गई हैं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं बॉलीवुड की ऐसी अभिनेत्रियों के बारे में जिनकी सौतन उनसे भी ज्यादा खूबसूरत है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, शिल्पा शेट्टी ने मशहूर बिजनेसमैन राज कुंद्रा से शादी रचाई है। भले ही शिल्पा की यह पहली शादी हो, लेकिन राज कुंद्रा की ये दूसरी शादी थी। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा की दूसरी पत्नी है। साल 2009 में शिल्पा और राज ने शादी की थी। शिल्पा शेट्टी से पहले राज कुंद्रा की एक और शादी हुई थी। इस लिहाज से देखा जाए तो शिल्पा शेट्टी की एक सौतन भी है जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। बता दें कि राज कुंद्रा की पहली पत्नी का नाम कविता कुंद्रा है। राज कुंद्रा और कविता का तलाक साल 2006 में हुआ था और इसके लिए कविता ने शिल्पा को जिम्मेदार ठहराया था। करिश्मा कपूर को भला ऐसा कौन होगा जो कि नहीं जानता होगा। वह एक समय में भारत की नंबर वन एक्ट्रेस में से एक हुआ करती थी, लेकिन आजकल उन्होंने फिल्मों में काम करना कम कर दिया है। करिश्मा कपूर के बारे में तो आप सभी लोगों को अच्छी तरह से मालूम ही होगा, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि उनकी एक सौतन भी है जो कि दिखने में बेहद ही खूबसूरत और स्टाइलिश है। करिश्मा कपूर के सौतन का नाम प्रिया सचदेव है, जिससे उनके पति संजय कपूर ने 2017 में शादी की थी। प्रिया सचदेव एक बहुत ही मशहूर मॉडल है। करिश्मा कपूर और उनके पति संजय कपूर का 2016 में तलाक हो चुका है। 90 के दशक की फिल्मों में अपनी अदा और एक्टिंग दोनों से लाखों करोड़ों दर्शकों को अपना दीवाना बनाने वाली दिव्या भारती अगर जिंदा होती तो आज वह अपनी सुंदरता से बॉलीवुड की कई सारी एक्ट्रेस को इस मामले में कड़ी टक्कर देती। पर यह एक विचार ही है, क्योंकि 5 अप्रैल साल 1993 में उनके ही घर की बालकनी से गिर जाने की वजह से दिव्या की दर्द भरी मृत्यु हुई थी, जिनके जाने के बाद उनके कई लाखों चाहने वालों को वह रुला गई थी। दिव्या ने मरने से पहले ही साल 1992 में बॉलीवुड के बड़े फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला से शादी की थी, पर दिव्या की मौत के बाद साजिद नाडियाडवाला ने साल 2000 में वर्धा खान से विवाह किया। दिव्या की सौतन वर्धा खान बेहद ही खूबसूरत और बोल्ड नजर आती है, जो फिल्मों में काम नहीं करती, फिर भी आज वह अपनी सुंदरता से कई लाखों लड़कियों और बॉलीवुड एक्ट्रेस को इस मामले में मात दे जाती है। अभिनेत्री रानी मुखर्जी बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में शुमार है। उन्होंने निर्देशक निर्माता आदित्य चोपड़ा से 21 अप्रैल 2014 को इटली में शादी की थी। आदित्य की यह दूसरी शादी थी। इससे पहले आदित्य ने पायल खन्ना से शादी की थी, जो कि रानी मुखर्जी की सौतन है। जब आदित्य चोपड़ा की रानी मुखर्जी से नजदीकियां बढ़ी तो उन्होंने पहली पत्नी को तलाक दे दिया और रानी से शादी कर ली। अभिनेत्री रवीना टंडन ने फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थदानी से शादी की है। रवीना टंडन अनिल थदानी की दूसरी पत्नी है। रवीना की सौतन का नाम नताशा शिप्पी है। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की लव स्टोरी किसी फिल्मी प्रेम कहानी से कम नहीं है। दोनों की उम्र के बीच 13 साल का फासला है। यही नहीं, हेमा से शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने अपना धर्म और नाम तक बदल लिया था, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। फिल्मों में आने से पहले ही धर्मेंद्र की शादी प्रकाश कौर से हो चुकी थी, जो कि हेमा मालिनी की सौतन है। फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात हेमा मालिनी से हुई और साथ काम करते करते दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। हेमा मालिनी से शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने सारे बंधन तोड़ दिए थे। शबाना आजमी जावेद अख्तर की दूसरी पत्नी है। जावेद की पहली पत्नी का नाम हनी ईरानी था, जो कि शबाना आजमी की सौतन थी, लेकिन उनसे शादी के कुछ दिनों बाद जावेद का दिल कैफी आजमी की बेटी शबाना आजमी पर आ गया और शबाना भी जावेद को पसंद करने लगी और उन्हीं से शादी कर ली। जूही चावला की शादी बहुत ही गुपचुप तरीके से हुई थी। ग्लैमर की दुनिया से ताल्लुक रखने वाली जूही चावला ने 6 साल बड़े बिजनेसमैन जय मेहता से शादी रचाई, जिनके साथ उनका रिश्ता आज भी कायम है। बता दें कि जूही चावला की सौतन का नाम सुजाता बिरला था।